शांति। 11 नवंबर 2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे अपने ऊपर पूरी नज़र रखो, कोई भी बेकायदे चलन नहीं चलना, श्रीमत का उल्लंघन करने से गिर जाएंगे। बच्चे अपने ऊपर पूरी नज़र रखो, कोई भी बेकायदे चलन नहीं चलना, श्रीमत का उल्लंघन करने से गिर जाएंगे। आज की मुरली का प्रश्न है, पद्मा पदम पति बनने के लिए कौन सी खबरदारी चाहिए? पद्मा पदम पति बनने के लिए कौन सी खबरदारी चाहिए? बाबा ने उत्तर दिया, सदैव ध्यान रहे, जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख और भी करने लगेंगे। किसी भी बात का मिथ्या अहंकार ना आए, मुरली कभी भी मिस ना हो, मनसा वाचा कर्मणा अपनी संभाल रखो, यह आंखें धोखा ना दे तो पद्मों की कमाई जमा कर सकेंगे। इसके लिए अंतर्मुखी होकर बाप को याद करो और विकर्मों से बचे रहो। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। डायमंड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, नंबर 1 पॉइंट, बाप की आज्ञा अनुसार हर कार्य करना है। बाप की आज्ञा अनुसार हर कार्य करना है। कभी भी श्रीमत का उल्लंघन ना हो, तब ही सब मनोकामनाएं बिना मांगे पूरी होंगी। कभी भी श्रीमत का उल्लंघन ना हो, तब ही सब मनोकामनाएं बिना मांगे पूरी होंगी। ध्यान दीदार की इच्छा नहीं रखनी है, इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। ध्यान दीदार की इच्छा नहीं रखनी है, इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। सेकंड पॉइंट, आपस में मिलकर झरमुई झगमुई अर्थात एक दूसरे का परचिंतन नहीं करना है। आपस में मिलकर झरमुई झगमुई एक दूसरे का परचिंतन नहीं करना है। अंतर्मुख हो अपनी जांच करनी है कि हम बाबा की याद में कितना समय रहते हैं। ज्ञान का मंथर अंदर चलता है। अंतर्मुख हो अपनी जांच करनी है कि हम बाबा की याद में कितना समय रहते हैं। ज्ञान का मंथन अंदर चलता है। आज की मुरली का वरदान है, हर आत्मा के संबंध संपर्क में आते सबको दान देने वाले महादानी वरदानी भव। हर आत्मा के संबंध संपर्क में आते सबको दान देने वाले महादानी वरदानी भव। विश्लेषण है, सारे दिन में जो भी संबंध संपर्क में आए उसे कोई ना कोई शक्ति का ज्ञान का गुण का दान दो। आपके पास ज्ञान का भी खजाना है तो शक्तियों और गुणों का भी खजाना है, तो कोई भी दिन बिना दान दिए खाली ना जाए, तब कहेंगे महादानी। बाबा कहते, आपके पास ज्ञान का भी खजाना है तो शक्तियों और गुणों का भी खजाना है,
तो कोई भी दिन बिना दान दिए खाली ना जाए, तब कहेंगे महादानी। दान शब्द का रूहानी अर्थ है सहयोग देना। दान शब्द का रूहानी अर्थ है सहयोग देना। तो अपनी शेष स्थिति के वायुमंडल द्वारा और अपनी वृत्ति के वाइब्रेशन द्वारा हर आत्मा को सहयोग दो, तब कहेंगे वरदानी। बाबा कहते, अपनी शेष स्थिति के वायुमंडल द्वारा और अपनी वृत्ति के वाइब्रेशन द्वारा हर आत्मा को सहयोग दो, तब कहेंगे वरदानी। आज की मुरली का स्लोगन है, जो बाप दादा और परिवार के समीप है उनके चेहरे पर संतुष्टता, रूहानियत और प्रसन्नता की मुस्कुराहट रहती है। जो बाप दादा और परिवार के समीप है उनके चेहरे पर संतुष्टता, रूहानियत और प्रसन्नता की मुस्कुराहट रहती है। ओम शांति।